हेलो फ्रेंड, जय बद्र विशाल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भरवा परवल। फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना, तो मैं यकीन मानिए कि फिर आप इसी के दीवाने हो जाओगे और हमेशा इसी तरीके से ही बनाना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने परवल लिया है, इसमें से मैंने जो हरे हरे थोड़े थे और जो थोड़े बड़े बड़े हैं तो उनको मैंने छांट लिया है, और उसके बाद में मैंने अगला और इसका पिछला मैंने कट कर लिया है, और इसको बस हल्के हाथों से इसका मतलब खरोच लेना है चाकू से, और बहुत ज़्यादा अंदर से निकालने की कोशिश नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे हमें खरोच लेना होता है। भरवा परवल के लिए जब हम परवल ख़रीद रहे हो ना, तो बस ध्यान रखिएगा कि परवल थोड़े से बड़े हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे जब होते हैं ना तो उनमें भरने में थोड़ी दिक्कत आती है, और साथ ही ये हरे हरे से हों तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो पका हुआ वाला होता है ना तो उसको मतलब पकने में दिक्कत आती है। तो बस अब यहाँ पर सारे मैंने इसको छील लिया था, छील के मतलब खरोंच लिया था चाकू से, उसके बाद में इसके अंदर के सारे बीज को हमने निकाल लिया है। इसके बीज जो होते हैं ना, जो सफ़ेद सफ़ेद बीज दिखते हैं, हमें वही लेना है, और जो काले काले बीज से होते हैं ना तो उसको हमें अलग निकाल के फेंक देना होता है, क्योंकि ये बीज जो है गलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया मैंने लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है, साथ ही इसमें मैंने 2 छोटी हरी इलायची लिया है, और लगभग 6 से 7 काली मिर्च लिया है, 2 मैंने लौंग लिया है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ ही लगभग 4 मैंने बड़े लहसुन के लिए कलियां लिया है, और उसके बाद में जो मैंने बीज निकाल लिए थे ना, तो बस उसको भी इसमें हमें डाल देना होता है, और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, मतलब 2 चम्मच पानी डाल के इसको हमें पीस लेना होता है, एकदम हम पेस्ट इसका बना लेंगे, और बस ये मसालों के साथ में ये अच्छे से पिस जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम पेस्ट अच्छा सा ये बनकर तैयार हो गया है, और जैसे ही मैंने मिक्सी जार खोला है ना, इतनी अच्छी खुशबू आई है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम कढ़ाई रखेंगे, और उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है, सरसों के तेल में ये ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है। तो साथ ही मैंने 1/4 चम्मच मैंने हींग डाला है, और हींग का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है, साथ ही 2 बड़े प्याज मैंने बारीक कट कर लिया था, और आप चाहे तो इसे चॉप कर सकते हैं या फिर आप दरदरा पीस भी सकते हैं। अब इसको हमें इसमें डालकर, और हमें तब तक इसको ऐसे ही चलाते जाना है जब तक प्याज थोड़ा सा मतलब गल सा ना जाए। तो बस यहाँ पर प्याज थोड़ा सा एकदम गला सा दिखने लगा है, और उसके बाद में अब इसमें हम जो मसालों का पेस्ट हमने पीस लिया था ना, तो बस अब उसे हमें डाल देना है, और इसको बराबर इसके साथ में ही चलाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक लगभग इसको हम ऐसे हुए भूनते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं और साथ ही जो ये प्याज और जो बीज वगैरह है ना, खूब अच्छे से ये पक जाएँ। तो यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है, और तेल भी हल्का हल्का से रिलीज होने लगा है, तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था। तो बस यहाँ पर इतना ही हमारे लिए मसाले काफ़ी है, क्योंकि मैंने गरम मसाला इसमें पहले से ही ऐड कर रखा हुआ था जब हम पीस रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप खड़ा मसाला नहीं मिलाना चाहते हैं या उस समय उपलब्ध नहीं है, तो आप बाद में जहाँ पर मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला है ना, तो यहाँ पर भी आप गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। तो इससे बस ये होता है ना कि अगर जो खड़ा मसाला जब डालते हैं ना, तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही आती है, और परवल के जब भरवा तैयार होता है ना, तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये भुन चुका है, तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो बस नमक अपने टेस्ट के अनुसार रहेगा, और उसके बाद में नमक डालने के बाद में भी इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको हम चलाएंगे और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए मसालों को, और मसाला बहुत अच्छे से ही हमारा भून चुका है, और अब हम इसमें दरदरा पिसा हुआ सौंफ डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है, और इसका ये स्वाद जो है दुगना कर देता है, तो सौंफ इसमें ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर इसको डालने के बाद में लगभग 2 मिनट तक इसको हमें ऐसे ही इसके साथ में भूनना है,
और उसके बाद में अब इसमें थोड़ा सा चटपटा स्वाद लाने के लिए इसमें मैंने एक चम्मच भरकर अमचूर पाउडर डाला है। तो अमचूर पाउडर इसमें अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद करते हैं चटपटा तो और आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है। तो यहाँ पर मैंने बस एक चम्मच डाला है और अब मसाला हमारा एकदम रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। और इसके बाद में अब इसको हम उतार लेंगे कढ़ाई को और उसके बाद में एक प्लेट लेंगे और इसको इसमें खाली कर देंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में अगर रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर इसको हम लगभग ठंडा होने देंगे। तो 10 मिनट के बाद में ये एकदम ठंडा सा हो गया है, तो अब बस इसको हमें भर लेना है। तो बस परवल में एकदम ऊपर तक इसको भरना है, बहुत ज़्यादा करके ऊपर तक नहीं भरिएगा कि मतलब ऊपर इसको जब छोड़िए तो फिर वो ऊपर तक आ जाए, क्योंकि फिर वो मसाला फिर इधर उधर फैलने लगता है। तो बस यहाँ पर सारे परवल में इसको हमें भर लेना होता है। तो यहाँ पर सारे परवल हमारे भर गए हैं और बस मैंने कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था और वापस मैंने एक चम्मच तेल डाला है और जब तेल गर्म हो जाए तो बस इसमें हम परवल को एक एक करके सब चारों तरफ हम रख देंगे इसमें कढ़ाई में और 2 मिनट के बाद इसको फिर से हम देखेंगे। तो बस यहाँ पर अभी हल्का हल्का सा परवल जो है वो नरम सा होने लगा है। तो बस अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से उलट पुलट देंगे जिससे कि तेल हर परवल में लग जाए। तो बस इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और 2 मिनट के बाद में वापस इसको हम देखेंगे। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा ये रेड होने लगा है। तो बस इसको हमें ऐसे ही उलटते पुलटते हुए 2-2 मिनट पर इसको हमें ऐसे देखते जाना है और हमें तब तक इसको ऐसे ही करते जाना है जब तक कि ये परवल चारों तरफ से रेड ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये अच्छे से रेड हो चुका है, तो हमने सारा परवल को पलट दिया है और उसके बाद में इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से हम ढक कर रख देंगे। 2 मिनट के बाद में इसको फिर से हम देखेंगे और अब यहाँ पर परवल दूसरी तरफ भी रेड हो चुका है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही 2 मिनट से ज़्यादा मत समय लीजिएगा, वरना ये रहता है ना कि फिर परवल का जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बस इसको हम ऐसे ही करते जाएंगे और परवल अब हमारा दोनों तरफ से रेड होता जा रहा है और बस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि परवल 2-2 मिनट पे हम देखते हुए इसको हमने लगभग 15 मिनट तक हमने ऐसे ही उलट पुलट तक कर और बीच बीच में देखते हुए किया है और परवल चारों तरफ से बहुत अच्छा सा ये रेड हो चुका है और ना तो बिल्कुल कहीं भी जला है और एकदम चारों तरफ से बिल्कुल रेड भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से रेसिपी पसंद आती है परवल की तो और सबसे पहले तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कलछी चेंज कर लिया है क्योंकि निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं परवल बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है ना। मतलब एक बार अगर आप खाएंगे ना तो बस खाते ही चले जाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होता है। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।